हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं हूं लुकमान और मैं हूं आदिल। और ये क्या वीडियो है मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि टाइटल हिंदी में है। ओके, ये कुंभ के मेले के ऊपर वीडियो है और ये मोस्ट वेटेड वीडियो हम देखना चाह रहे थे खुद भी क्योंकि ये मेला बहुत स्पेशल है और अभी हमें पता चला कि ये रिसेंटली आ रहा है जनवरी में, डेट जल्दी याद। हाँ, तो ये वीडियो भी हमें मिल गई तो हमने कहा ये पहले देखते हैं यार। कुंभ का मेला तो वैसे बड़ी एक्साइटिंग चीज है। हाँ, मतलब ये हम सोच रहे थे कि हमें कोई वीडियो मिले और हम ये देखें और हमें ये वीडियो मिल गई है और अब हम देखना देख रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि होता भी काफी टाइम के बाद है। हाँ, वंस इन अ डेकेड 10 साल बाद या 7 साल नहीं 10 साल। हाँ, कुछ बहुत ज्यादा टाइम है। हाँ, और बहुत बहुत बड़ा। और इस पर मैंने सुना कि ये पता नहीं कितने करोड़ लोग, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो देखी थी 7 करोड़ थे समथिंग, शायद पता नहीं 12 इससे भी ज्यादा, 12 या 14 करोड़ आने की एक्सपेक्टेशन है और वो इतना बड़ा इवेंट मैनेज होगा। मैं इसलिए इस वजह से बहुत एक्साइटमेंट है कि यार क्या है ये चीज। सो लेट्स सी वी गॉट अ वीडियो। ओके, 1 2 3 गो। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कुंभ का पर्व 4 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो उसके ठीक 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में, फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। ठीक इसी तरह जब 4 कुंभ पर्व को मिलाकर 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तब महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ मनाया जाता है जो कि 12 वर्षों में एक बार होता है। इसके अलावा हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है और आखिरी अर्धकुंभ 2016 में हरिद्वार में आयोजित किया गया था। पर क्या आपको पता है कि आखिर महाकुंभ पर्व का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में ही क्यों किया जाता है? आखिर क्यों इतनी भारी मात्रा में नागा साधु, सन्यासी और श्रद्धालु इस कुंभ के पावन पर्व पर पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं? आखिर क्या लिखा है पुराणों में कुंभ पर्व के बारे में? इन सारी बातों पर आज हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं अद्भुत टीवी इंडिया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो आप देख सकें। कुंभ मेला एक ऐसा पर्व है यानी त्योहार है जिसे अगर कोई अपनी अगर आंखों से ना देख ले वो नहीं समझ सकता। इसका महत्व और इस मेले का उल्लास वही समझ सकता है जिसने खुद कुंभ के अद्भुत और पवित्र वातावरण को प्रत्यक्ष देखा और महसूस किया है। कुंभ के पावन पर्व पर चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, साधु, विद्वान, ऋषि मुनि और श्रद्धालु जन कुंभ मेले के दौरान पवित्र जल में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र करते हैं। कहते हैं कि आज के लोगों के लिए कुंभ मेला वह है जहां जाकर वे पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और पापों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करे। पर कुंभ का महत्व सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ पर्व के इतिहास के बारे में कि आखिर कुंभ की शुरुआत क्यों हुई और ये सिर्फ हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में ही क्यों मनाया जाता है। ये कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। उसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध होता रहा। कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर कलश से अमृत बूंदे गिरी थी।
जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में गिरी तो दूसरी शिव के नगरी हरिद्वार में, इसके बाद तीसरी बूंद उज्जैन में तो चौथी बूंद नासिक में जा गिरी। यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं चार स्थानों पर मनाया जाता है। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतः कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब ज्योतिष के अनुसार जानते हैं कि आखिर कुंभ पर्व के आयोजन की तिथि और जगह कैसे निर्धारित की जाती है। कहते हैं कि कुंभ मेले में सूर्य एवं बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। सूर्य देव एवं गुरु बृहस्पति जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाने का स्थान एवं तिथि का चुनाव किया जाता है। तो इसी के अनुसार जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में आता है, तब यह मेला हरिद्वार में मनाया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तो यह उत्सव प्रयाग में मनाया जाता है। जब बृहस्पति और सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश होता है, तो यह महान कुंभ मेला महाराष्ट्र के नासिक में मनाया जाता है। इसके अलावा यदि बृहस्पति सूर्य एवं चंद्रमा तीनों कर्क राशि में प्रवेश करे और साथ ही अमावस्या का दिन हो, तब भी कुंभ नासिक में मनाया जाता है। अंत में कुंभ मेला उज्जैन में तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करे और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश कर रहे हो। सूर्य देव का सिंह राशि में प्रवेश होने के कारण मध्य प्रदेश के उज्जैन में मनाए जाने वाला कुंभ सिंहस्थ कुंभ कहलाता है। पिछला सिंहस्थ कुंभ अप्रैल 2016 में आयोजित किया गया था। यह पर्व 12 वर्ष पश्चात उज्जैन की भूमि पर मनाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत कलश से जो 4 बूंदे धरती पर गिरी थी, वह नदी ने रूप ले लिया। यह 4 पवित्र नदियां हैं, हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी, इलाहाबाद में संगम यानी गंगा, यमुना और सरस्वती, और उज्जैन में शिप्रा नदी। शिप्रा नदी की भी अपनी महिमा एवं महत्व है। गंगा, यमुना एवं सरस्वती जैसी महान नदियों की तरह शिप्रा नदी भी महान है। शिप्रा नदी को पहाड़ों से बहने वाली नदी कहा जाता है, लेकिन मान्यता अनुसार यह नदी धरती की कोख से जन्मी थी। कहते हैं कि इस नदी का जल इतना पवित्र है कि इसमें स्नान करने वाले लोगों के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। स्कंद पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि भारत की सभी पवित्र नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन शिप्रा नदी एक ऐसी नदी है जो उत्तरगामी है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी। यह नदी आगे चलकर चंबल उपनदी में मिल जाती है। कुर्मा पुराण के अनुसार इस कुंभ उत्सव में स्नान करने से सभी पापों का विनाश होता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यहाँ स्नान से देवलोक भी प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार कुंभ स्नान से पुण्य स्वस्वरूप स्वर्ग मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अपने जीवन काल में एक बार कुंभ स्नान जरूर कीजिएगा। अगर आपने कुंभ पर्व जैसे पवित्र त्योहार में हिस्सा लिया है, तो अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ इतना सब कुछ पता था तुम्हें कुंभ मेले? मुझे सिर्फ नाम का पता था, मुझे भी, और ये पता था कि क्वांटिटी होती है। अब इसमें कुछ चीजें थी जो मतलब वो लैंग्वेज की वजह से समझ नहीं आई, मतलब हिंदी काफी प्योर थी मेरे ख्याल से। और कुछ एंड पे जो बातें की है वो रिलीजियस बुक्स पुराना, आई थिंक, मैं अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो मान लो चाहता हूँ, लेकिन वो कुछ उनकी जो रिलीजियस बुक है उसमें से उसके बाद ये इवेंट टोटली रिलीजियस है। मुझे आज ही पता चला कि रिलीजियस इवेंट है। इससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि ये रिलीजियस इवेंट है। मैं इसको एक आम वो जो फेस्टिवल उसका समझ रहा था। मोस्टली जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी रिलीजियस ही होते हैं। मतलब यार, मतलब इसको एक एक नाम है ना, कुंभ का मेला, मुझे ये आइडिया जरूर था कि ये कुछ रिलीजियस होगा, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई ना कोई मोटिवेशन दरमियान में एक लिंक जरूर होता है, और रिलीजियन से स्ट्रॉन्ग कोई और हो नहीं सकता। तो अब उसकी जो हिस्ट्री थी वो मेरे ख्याल से आप लोगों को तो सबको पता होना चाहिए, जो जो पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे उनको तो पता होना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ किसी हद तक आइडिया हुआ इसकी हिस्ट्री का कि किस तरह से इसको थोड़ा समझ आया वैसे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर था थोड़ा सा मेरे लिए और काफी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री थी। मतलब मुझे थोड़ा सा जो रिलीजन है हिंदू रिलीजन उसके बारे में थोड़ा बहुत गाइड है, मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ी बात
थोड़ी बहुत बात समझ आ गई, लेकिन कुछ लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत सारी बातें समझ नहीं भी आई। जैसे फिर लास्ट में वो जो बातें वो कर रहे थे, कुछ बुक्स का रेफरेंस दे के जो बातें की, तो वो मुझे समझ आ गई वो बुक्स के बारे में। आई आई हैव आइडिया कि क्या सीन है उन बुक्स का, क्या वो, और बाकी उससे पहले वो जो बात हो रही उसमें कुछ चीज़ें समझ आ गई। कुछ चीज़ें जो नहीं समझ आई वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से, जो कुछ ऐसे लफ्ज़ थे हिंदी के जो हमें समझ नहीं आती। और एंड पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ने बताई ना चारों जगह किस बेस के ऊपर, वो मेरे यहाँ से सूरज चांद के हिसाब से था कुछ, लेकिन वो बात पूरी समझ नहीं आई मुझे। लेकिन ये था, इतना बात क्लियर हो गई कि कुछ सूरज चांद का कुछ हिसाब है, या चांद का नहीं शायद सूरज का कुछ हिसाब है, वो कुछ उनकी कैलकुलेशन है। काफी डीप हिस्ट्री है कुंभ के मेले की, और हिस्टोरिकल इवेंट है, बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है। और वो उसके 12 दिन 12 साल के बाद मनाए जाने का भी डिवीजन किस तरह से है, क्यों यहाँ यहाँ पर मनाया जाता है, सब कुछ सब कुछ सब एक बड़ी अच्छे तरीके से इसको ना बड़े अच्छे तरीके से किया। काफी अच्छी वीडियो, अगर आप लोग इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल की और वीडियो फॉलो करेंगे आप, तो बंदे ने काफी डिटेल से इवेंट को कवर किया। बिल्कुल, और बाकी कोई डिटेल अगर मिस हो गई है, या मोस्टली इसको आगे किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है या इसके अंदर क्या क्या होता है, वो तो इस वीडियो में कवर नहीं किया था। इस वीडियो में तो हिस्ट्री को कवर किया होता, वो हमारे साथ शेयर वो भी कवर किया गया, मतलब वो पानी में जाते वो है। उनका एक वो जो रिलीजियस वही एक सेरेमनी होती है ना पानी वाली, शायद सिर्फ इसी के लिए सारा वो गैदरिंग होती है, मे भी कुछ और भी होता है। बाकी जो डिटेल है वो आप लोग शेयर करें हमारे साथ, और ये तो मेला आने वाला है, कौन कौन एक्साइटेड है इसके लिए, मतलब पार्टिसिपेट। मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं, कुछ लोगों ने बताया कि हम जा रहे हैं, वो यार 7-12 करोड़ लोग अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल से सभी जाएंगे। 12 से 14 करोड़ भाई, अरब से ज्यादा आबादी है वहाँ पे, बहुत लोग हैं फिर भी, लेकिन लेकिन इतने सारे लोगों का एक इवेंट पर गैदर होना काफी अचीवमेंट है। और इसको मैनेज करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, हमने पहले भी एक वीडियो में इसके बारे में बात की थी कि ये इतने बड़े इवेंट को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी बात है, इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो इस इवेंट के बारे में जो डिटेल इसमें नहीं है वो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, और जैसे ही ये करीब आ जाएगा और फिर इसके बारे में अगर कोई अच्छी नई वीडियो आपको मिलती है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, कुछ कोशिश करेंगे वो भी देखें इसमें फर्दर इसके बारे में कुछ डिटेल हो। इस वीडियो के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहें, कुछ कहना चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।